स्टार्ट किया जाए। देखो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। सिंगल लेंस जैसे बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बड़ा साइज़ कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको कहते हैं हम लोग, और उसका इस्तेमाल कई बार बच्चे कागज़ जलाने के लिए भी करते हैं। तुम भी किए होगे, क्यों ना? हाँ, तो वो क्या है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, उससे चीज़ों को मैग्नीफाई किया जाता है, बड़ा किया जाता है। अब इसको कैसे समझा जाए, इसके एक्चुअली दो केसेस होते हैं, दो सिनेरियो होते हैं। जैसे ये फोकल पॉइंट है इस लेंस का, फर्स्ट फोकस है, और ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर रखा है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के यानी फोकल पॉइंट के बीच में रखा है। तो ये कौन सा केस है, ये छठा केस है ना। छठे केस में इमेज कहाँ बनती है, इमेज उसी साइड पे बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, वर्चुअल बनती है, और कहाँ बनती है, फोकस और डबल फोकस के बीच में बनती है, यानी बीच में यहाँ कहीं 2F1 होगा, इन दोनों के बीच में बनती है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब क्योंकि ये छठा केस है, जब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे डाइवर्ज करेंगी, ये डाइवर्ज कर रही हैं, तो डाइवर्ज करेंगी तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाया जाएगा, पीछे बढ़ाया जाएगा, तो ये इमेज बन गई, इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, करेक्ट है। अब बात ये आती है कि हम इसका मैग्नीफिकेशन देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर दिया इस लेंस ने, कितना बड़ा बना दिया इस ऑब्जेक्ट को, कितना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाया ना, तो कितना बड़ा बनाया उसने, और उसको निकालने के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन का टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट कितना लेंस पे एंगल बना रही है और इमेज कितना एंगल बना रही है। जैसे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन करते थे, क्या लिखते थे, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाय इमेज की हाइट, ये लिखते थे लीनियर मैग्नीफिकेशन में। लेकिन एंगुलर मैग्नीफिकेशन में हम लोग लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इमेज ने बनाया इस लेंस के साथ एंगल, इमेज की हाइट ने कितना एंगल बनाया लेंस के साथ, बीटा, और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, ठीक है। तो तुमको अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको लगेगा अरे ऑब्जेक्ट बना रही है ये एंगल, मान ली ये है अल्फा, तो इमेज भी तो उतना ही साइज़ का एंगल बना रही है, यानी दोनों लगेगा कि सेम बना रही है। लेकिन कभी भी एक ही मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि दो चीज़ों को रख के कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे दो पहलवानों को लड़ाया जाता है ना, तो दोनों एक ही साइज़ के होने चाहिए ना, मतलब एक ही वेट के होने चाहिए, ठीक है। जैसे 50 किलोग्राम का एक पहलवान है तो वो 50 किलोग्राम से ही लड़ेगा ना, वो 50 वाला 80 से नहीं लड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं इमेज पे, जहाँ पर इमेज रखी हुई है, यानी ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, इसको बोल दिया ए डबल डैश और ये बी डैश है। जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठा के जब यहाँ लाए हैं तो ए डैश ए डबल डैश बी डैश का साइज़ उतना ही है जितना ए बी है, यानी ए बी इज़ इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश इज़ इक्वल टू एच के बराबर है, जबकि ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एच के, एच डैश के बराबर है, ये हाइट एच डैश है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, इमेज भी उसी प्लेटफॉर्म पे है और ऑब्जेक्ट भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। अब ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है ये ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये एंगल अल्फ़ा हो गया, और इमेज कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बीटा हमने कहा। तो इमेज का, इमेज कितना एंगल बना रहा है लेंस के साथ, बीटा, और ऑब्जेक्ट जो इसी प्लेटफॉर्म पे रखा है, सेम प्लेटफॉर्म पे हमने दोनों को रख दिया एक ही जगह, तो ये कितना एंगल बना रहा है, वो अल्फा बना रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब
अगर एंगल अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे हैं तो अल्फ़ा और बीटा टेन अल्फ़ा के बराबर होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा के बराबर होगा। और अल्फ़ा को क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाई वो पॉइंट ओ है, ये ओ बी डैश होगा अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू, बीटा क्या होगा, बीटा देखो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी सिंगल डैश, करेक्ट है।